यू डोंट हैव किड्स एंड यू ट्रैवल अ लॉट, मुझे लगता है एंड आपकी फील ऐसी है कि उसमें शादी पे जैसे रिलेशनशिप पे प्रेशर पड़ता होगा, बट उसके बावजूद अभी तक आप लोग माशाल्लाह से खुश, तो क्या व्हाट डू यू थिंक इज, किस चीज़ को क्रेडिट देंगी या आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या एडवाइस करेंगी? आपने दो चीज़ें कहीं कि करियर में ट्रैवलिंग भी बहुत है, टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं और बच्चे भी नहीं हैं. मैं एक तीसरी चीज़ भी ऐड करूँगी. ओके. हमारे प्रोफेशन में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं अगर आपकी खुदा ना खास्ता थोड़ी आपकी शक्ल काबिल कबूल है तो आपने कोई ना उल्टा सीधा काम तो करना ही होगा, चक्का चलाना होगा. सो वो भी एक प्रेशर बहुत आता है आपकी मैरिज पे. आई फर्मली बिलीव और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं सबको ये कहूँगी जो शादीशुदा नहीं है उनको स्पेशली कहूँगी कि पैसे के लिए शादी मत करो, ग्लैमर के लिए मत करो, फेम के लिए मत करो, शक्ल पे मत करो. सब चीज़ों की अपनी जगह ज़रूर है बिल्कुल, लेकिन जिससे भी शादी करो और ये दोनों के लिए मर्द हो या औरत, ऐसे शख्स से शादी करो जो आपका दोस्त हो और जो आपकी इज्जत करता हो. जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप कभी भी खुशगवार नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ मैरिड कपल अगर मेरा मियाँ मेरी रिस्पेक्ट करता है तो उसको पता है कि ये कौन है क्या है. इसलिए उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम देर से क्यों आई हो, यहाँ क्यों गई हो, वो कौन है, किसके साथ थी, क्या हो रहा था, नेवर. और मतलब मैं हमेशा ये नहीं थी, कभी मैं भी जवान थी तो तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा. हाँ. और इट्स द सेम विद मी, मैं कभी डाउट नहीं करूँगी. मुझे लोग कहते हैं कि मेरे मियाँ बहुत सोशेबल हैं, इज़ अ वंडरफुल पर्सन, हंसते खेलते, तो लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि मतलब तुम उसको किराया छोड़ देती हो, खुद ट्रैवल कर रही होती, वो भी इतना ट्रैवल करता है, साथ जाया करो ये. तो मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं हर वक्त हर जगह अम्मा बन के नहीं साथ रह सकती. बिल्कुल ठीक है. वो ट्रस्ट है जो साथ रहता है. मैं गलत काम करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना प्यार करने वाला, मुझे ट्रस्ट करने वाला घर पर है, एंड वाइस वर्सा. तो आप इज्जत, ये कहना कि जी मुझे मोहब्बत है और आप इज्जत नहीं करते और दो कौड़ी का आप कर देते हैं एक शख्स को तो फिर छोड़ देना, वो कोई मोहब्बत नहीं होती, बकवास होती है वो. बिल्कुल. सो दैट्स व्हाट इट इज. ओके. रिस्पेक्ट. नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि इज्जत, एंड आई थिंक बड़ा मिसिंग है आजकल की रिलेशनशिप्स में ना, हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को. और कभी कभी मुझे लगता है हम ये भी कहते हैं नहीं नहीं क्या इज्जत, मॉडर्निज्म और इज्जत की कभी कभी ना लाइन बड़ी मुझे लगता है ब्लर हो जाती है आजकल. मॉडर्निज्म में ये नहीं कि आप ये कहिए कि सुनिए जी मुन्ने के अब्बा, ये नहीं होता है, दैट्स नॉट इज्जत. इज्जत थप्पड़ लगा दिए मुन्ने के अब्बा ने साथ आपको, इज्जत ये है कि आप उनकी खुशी की रिस्पेक्ट करें, उनकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करें. लेट दैट पर्सन बी हु दे आर, स्पेस दें, स्पेस दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बर्दाश्त करें, दैट्स वेरी, वो वाली इज्जत की बात कर रही हूँ. अच्छा मुझे बताएं आपकी फेवरेट 5 कैरेक्टर्स ऑफ योर, और कौन से, और उनको करने के लिए क्या बच्चे नहीं है ना, ये वो वाली बात है कि आपके 5 बच्चे बता दें कौन सा ज्यादा अच्छा है. चलिए जो भी इस वक्त याद आ रहे हैं, कौन उनको करने का क्या चैलेंज था या क्या मजा आया उससे रिलेटेड कोई किस्सा? शायद 5 से बढ़ जाए. Okay. I've been very lucky, लेकिन मुझे बहुत अच्छे किरदार मिले हैं और ऐसे जो शायद कभी दोबारा ना भी मिले. मताए जान वॉज वन ऑफ देम. ट्रू, I remember. इट वॉज अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर और बहुत मुश्किल, बहुत पेनफुल कैरेक्टर था. बहुत रोई हूँ मैं उसके लिए. तुम हो के चुप में बीबी जॉनम का कैरेक्टर था जो कि एक फारसी ईरानी औरत जो कि आकर एक कबायली बलोच सरदार के चुंगल में फंसी हुई थी और इतने सालों से रह रही थी. वो कैरेक्टर बहुत खामोश था, बहुत एक्सप्रेशन था, और वो मेरे लिए एक बार साहब का चैलेंज था. फिर उसमें मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी कि मुझे उस फारसी अंदाज में हर चीज़ करनी थी, सिर्फ बोलने में नहीं, हर चीज़ में. तो पूरा अपना परसोना चेंज, पूरा परसोना चेंज करना पड़ा. और उसमें जो उस औरत की कन्विक्शंस थी, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल था, वो खामोशी में बयान करना बहुत मुश्किल था. सो दैट्स अ कैरेक्टर दैट आई विल नेवर फॉरगेट. उस कैरेक्टर ने मुझे इज्जत भी बहुत दी है. अल्लाह ताला के घर में मुझे लोगों ने उस नाम से बुलाया. वाओ, माशाल्लाह. ओके. दे डिडंट नो माय नेम, दे डिडंट नो आई वाज हिना ख्वाजा बयात, दे जस्ट कॉल्ड मी बीबी जॉनम. ओके. और वो पाकिस्तानी भी नहीं थे तो उर्दू भी नहीं बोलते थे, मगर उन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ था. ये तो बड़े ही मज़े की बात है, बहुत खुशी होती होगी. सो वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था.
तलखियाँ, अप्पो का किरदार, इतनी जहरीली औरत, इतनी नेगेटिव औरत, ऊपर से हसीन औरत और अंदर से इतनी काली औरत कि वो सबको मार के भी नहीं मरी. वो मुझे लगता था कि टुक ओवर मी. मैं कुछ अजीब सी हो गई थी. मुझे ऐसा लगा था कि उस पूरे स्पेल में, क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली शूट किया था, मुझे लगा था कि ये औरत मेरे अंदर कहीं चली गई है, क्योंकि मैं बिला वजह खाने की टेबल पे इतनी सार्कास्टिक कमेंट्स देना शुरू हो गई थी. मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, आई नीड टू स्टॉप. और हसन न्याजी मुझे बार बार कहता था, वादा करें मुझसे अप्पो को यहीं दफना के जाएंगी, ये घर नहीं जाएगी आपके साथ. बट अगेन अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. और ऐसा ड्रामा तो मुझे लगता है कि बस उस जिंदगी में एक ही दफ़ा मिला था, दोबारा नहीं मिलेगा. मेरा नाम यूसुफ. Yeah, that's one of my favorite dramas. I love it. I love the script. Yeah. I love the drama. I loved everything about it. और उसमें आफिया का जो किरदार था, वो डायलॉग्स थे, क्या डायलॉग्स थे, और क्या कैरेक्टर था, और कितनी वो वाइब्रेंट थी और कलरफुल थी, बावजूद हर उस चीज के जो वो झेल रही थी. झेल रही थी, सही बात है. लेकिन जब खड़ी हुई तो फिर खड़ी हुई. मुझे उसकी ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी. सो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स फॉर श्योर. यारियाँ, फॉर ऑल द राइट रीजंस जो हम बयान कर चुके हैं. मुझे तो उसका लुक भी बड़ा आपका अच्छा लगा था. वो विग मैं खुद लगाती थी. हाँ. किसी को विग नहीं लगानी आती पूरी इंडस्ट्री में. बहुत जबरदस्त, उसको मेंटेन भी करना. ये इन्होंने करवा लिया है क्या, बड़ा मुझे बहुत कितना नेचुरल था ना. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू वजाहत हुसैन आवर डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये करें, मुझे ये टोटली डिफरेंट लुक चाहिए. मैं बता रही हूँ, मतलब मैं आई डोंट वांट टू किसी और को नहीं, बट मेरे लिए उसमें ना पूरे ड्रामे में आपके कैरेक्टर को देखने का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता, ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सास और डिफरेंट टाइप की माँ थी, यू नो. सो वो, और ऐसी औरतें हैं माशरे में, मगर वो नजर नहीं आती हमारी स्क्रीन पे. उसमें लुक का ये भी था कि एक तो बाल और फिर मेरे कपड़े. वो अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू नताशा कमाल, क्योंकि वो लुक एक एलिगेंट वर्किंग वुमन, जो कि बड़ी कंजर्वेटिव ड्रेसिंग भी थी, exactly, yeah. लेकिन मॉडर्न थी, ओवर नहीं कहीं कर रही थी, बिल्कुल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थी, लेकिन यू नो. सो वो दोनों चीजें वहां पर मुझे लगा कि वो कैरेक्टर बहुत पावरफुल था. गरमान रह जाए, बुरका पहन के जूतियां चटखाती हुई, गालियां ही नहीं निकलती थी मेरे मुंह से, आदत ही नहीं है देने की, बट नहीं गालियां, बड़ा मुश्किल था. और बोलते हुए फंस जाती थी, कहती थी कि दो दिन दे दें मैं प्रैक्टिस कर लूंगी. बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर था मेरे लिए, इससे मुझे बहुत मजा आया करने में. और गालियों की वोकैबुलरी भी बढ़ गई आपकी. नहीं पढ़ती हूँ तो वोकैबुलरी तो है, बस अदायगी नहीं थी. और पान खा के सारा ये अंदर से कट गया था, तो फिर मैंने चीटिंग शुरू कर दी कि कत्था लगा लेती थी यहाँ पर, कितना पान नहीं खा सकती. सही बात है. हाँ. तो अगेन आई वुड से वो देन अब वो आ ही जा रहे हैं दिमाग में, क्या कहूँ. बड़े जबरदस्त कैरेक्टर्स. अब खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत मेरे लिए अगेन एक चैलेंज था. मैं तो बड़ा वेट कर रही हूँ उसका. सराइकी स्पीकिंग औरत है. अच्छा. सो वो लैंग्वेज डिफरेंट, मतलब लहजा डिफरेंट होगा. लहजा भी फर्क है और फिर बॉडी लैंग्वेज फर्क है, क्योंकि मुल्तान के घराने की एक जागीरदारनी है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो इस तरह के कैरेक्टर्स में ये मज़ा बहुत आता है कि दे आर दे चैलेंज यू ना, आप कुछ उससे हट कर निकल कर टाइप की माँ और डिफरेंट टाइप की सास खेलने को मिलता है. राधा और अगेन मैं कहती हूँ कि माँ और सास का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ना, कि जी आप लड़के की, मुझे कहते हैं कि जी वो लड़की की माँ का, मैं कहती हूँ नहीं, वो किसी की भी माँ हो या ना हो, मुझे पता है वो खुद कौन है. खुद कौन है, सही बात. ये बड़ा इंटरेस्टिंग. और ये मैं आपको बताऊँ कि मेरा नाम यूसुफ में मुझे लिटरली बिठा कर राइटर ने, खलील साहब ने बताया था कि आफिया कौन है. उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि वो बेटी कौन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कहानी आफिया की है, वो बेटी उसका शैडो है, जो जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है. बिल्कुल. सो दैट इज़ वॉट आई फाइंड फैसिनेटिंग अबाउट दीज कैरेक्टर्स, कि आप कैरेक्टर की बात करें. हाँ, वो किसी की माँ भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की बहन भी होगी, वो एक इंडिविजुअल भी तो है. वो खुद कौन है? That's और वैसे ये थिंकिंग भी है ना, इट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी. यस, कि औरत माँ है, बेटी, बट वो औरत खुद भी तो एक इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल है, चीज कह रही हूँ, इंडिविजुअल है. और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रोल क्या है उस वक्त उसका जिंदगी में, वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी पर्सनालिटी रखती है. मुझे सिर्फ एक शिकवा ये होता है कि हमारे यहाँ एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते. मतलब मैं अपने 30s में थी जब मैं फहद मुस्तफा की माँ बन गई थी.
बीबी जॉनर में मैं हुमायूं की माँ बनी थी, बट वो कैरेक्टर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि आई डिडंट केयर, आई वांटेड टू डू इट, चाहे आबिद साहब की माँ बन जाती, वो भी तैयार थी मैं. ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर. सो वो कैरेक्टर्स आजकल मुझे लगता है कि लिखे नहीं जाते. वो यही होता है कि जी लड़की की माँ, लड़के की माँ, और लड़के लड़के की कहानी. बट लड़के लड़की की कहानी आपके 20s और 30s में तो आप इतने डेवलप ही नहीं हुए होते कि आपकी कोई कहानी हो. कहानियाँ तो 30s के बाद शुरू होती हैं. ये बात भी है, बट ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. हम अभी तक कोई सब कर रहे हैं जो OTT चैनल्स हैं. इंशाल्लाह.